अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुबह हुई है 10:15 बजे और बोईसर की सुबह मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ सामने ना एक आम का पेड़ है, अच्छा खासा बड़ा, और उसको बहुत सारे आम आए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, अच्छे खासे बड़े हो गए हैं और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैंने रात में कहा था, 2 बज गए कल के वीडियो में, मैं अभी सोऊंगी, लेकिन मैं 4:30 बजे सोई। विशुदा तो सो गई थी, मैं 4:30 बजे इसलिए सोई क्योंकि मुझे आज की वीडियो की मतलब एडिटिंग वगैरह सब करनी थी, तो इसलिए फिर मुझे 4:30 बज गए सोने के लिए। मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके सोई हूँ और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सर की सुबह कुछ खास रहती है। शाम हो गया है और हम नहा धो के तैयार है। विश्रुता बहुत स्पेशल काम कर रही है, वो ऐसा कि दानिश ने फरमाइश की है, उस दानिश को चाहिए विश्रुता के हाथ का चिकन फ्राई, तो बस दानिश वही बना रहे हैं और मैं रेडी हूँ मतलब निकलने के लिए। लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी, मुझे टाइम है, लेकिन मैंने सोचा नहा धो लिया है तो मैं तैयार हुई जाऊँ। इस तरीके से सब है। और मैंने ड्रेस वही मतलब नहीं लाया दूसरा, क्योंकि मैं कल आई पहन के, तुरंत मैंने चेंज किया और अभी वापिस घर पे जाऊंगी, वापिस तुरंत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मतलब ये नहीं किया, क्या दूसरा ड्रेस वगैरह नहीं लेकर आई। मैंने सोचा क्या फालतू में खाली फुकट एक ड्रेस का वजन लेकर जाऊँ, इसके लिए मैंने कोई ड्रेस नहीं बना मतलब लाया नहीं। तो इस तरीके से है और जाने का टाइम भी आ गया है और दानिश बोर हो रहे हैं। मैंने कहा मैं कैसी रोज रहती हूँ, है ना, बाल बिल बनाने की मेरी बाकी है वैसे। और विश्रुता को बताती हूँ, बेचारे को वीडियो में भी नहीं लिया, बिजी है, क्या करे। ये देखो विश्रुता बना रही है उसके भाई के लिए, जीजू के लिए, उसके दोस्त के लिए, सब चिकन बना रही हूँ, चिकन फ्राई कर रही है, क्योंकि दानिश को कॉल आया कि मुझे विश्रुता के दानिश का कॉल आया कि विश्रुता के हाथ का चिकन चाहिए, चिकन फ्राई, जो कि दानिश को बहुत पसंद है। मस्त ना, माशाल्लाह। तो बस वही विश्रुता बना रही है तो और अभी देखते हम। सब लोग आए हैं खाना खाने के लिए। जाने का टाइम हो गया है, 9:15 बजे का ट्रेन है। विशुदा के अभी सब काम हो गए है, चिकन वगैरह सब बनाए विशुदा। मुझे देखो हाँ, दानिश के लिए चिकन फ्राई, मेरे लिए करेला फ्राई और बैगन की सब्जी ना विशुदा। हाँ, ऐसे 3 सब्जी बना के दिए है, जिसमें से अभी करेला दानिश को जबरदस्ती खिलाना है। कि दानिश करेला बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मेरे हमेशा बाल विशुदा बनाती है। हाँ, मुझे उसके हाथ के बाल बना के लेना ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी उसका सब काम हो गया, मैंने कहा चलो मेरे बाल बना के, मैंने सुबह से बिल्कुल भी बाल बनाए नहीं थे, ऐसे ही रखे थे ना, आई तभी भी नहीं बनाए। मैंने कहा नहीं, विश्रुता फ्री हो जाए फिर वो बाल बना के दे देगी। देखो देखो फैशन, देखो फैशन, टीवी पे की है, चलेगी ना। मैं कुछ ज्यादा लाई नहीं, क्या बोलो, एक रात के लिए जाना था। मग ते अजून खास निघून जाईल। हो चुका है और मैं निकल गई हूँ, बस अभी स्टेशन के पास ही है। 1 मिनट के
दूरी पे जा रही है। इशुदा को बोल रही हूँ चलो, वो नहीं आ रही, उसको मैं क्या करूँ अभी, जो बोला मैंने अभी चल सुबह चाहिए तो नहाने के लिए घर पे वो नहीं आ रही है। आ गए हम स्टेशन, ये तो फटाफट आए ना। मैं विराज स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। दानिश कब से ही आए हैं, मैं जैसी नहीं थी तब से वो आए। मैंने उनको कहा था कि मैं सफाला पास करूँगी ना उसके बाद आ जाओ, लेकिन नहीं, वो कब से आकर रुके। अभी देखती हूँ हो रहा है, उन्होंने वो कहा है, मैं अभी उन्हीं के पास जा रही हूँ। मैं घर पे आ गई। अरे देखो कौन कैसा लग रहा है, पहुंच गए बाबा पहुंच गए। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बुरा क्यों, मैं आई इसलिए, ट्रेन से आई ना, काश हेलीकॉप्टर होता मेरे पास इनको ना बुरा लगता है कि मैं ट्रेन का सफर कर रही हूँ, इतना इतना सा तो इतना करना है, और मुझे उल्टा ना वो चीज अच्छी लग रही, इनको अच्छी नहीं लग रही लेकिन मुझे अच्छी लग रही। क्यों पता है क्या, कि टाइम बचता है बहुत ज्यादा, वो मैं फटाफट जाके आती हूँ, मतलब एकदम सीधा सीधा, और ऐसे हाईवे से जाओ गाड़ी से तो फिर बहुत उल्टा सुलटा पड़ता है, वो दूर भी ज्यादा पड़ता है, टाइम भी जाता है और पैसा भी जाता है यहाँ टाइम भी बचता है पैसा भी बचता है लेकिन नहीं, इनको बुरा लगता है, मैंने इनको कहा कुछ नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। चलो बच्चे लोगों को मिलना है छोटी, हाँ। अरे कौन कहाँ है, आले मेरे लल्ला, अरे लल्ला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आजा आजा लल्ला। पापा भी कहाँ थी, घर को। पापा मैं कहा थी, पापा मैं कहाँ थी, कहाँ थी, अभी देखो अभी कहाँ बैठेगा, देखो छोनी, अरे छोटी ये देखो, ये भी दोनों कैसे आए, क्या कर ले, मैं कहाँ गई थी, अल्लाह ये देखो पूछो देखो छोटी चलो आ जाओ, हाँ मैं थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ फ्रेश हो जाऊँ फिर। ये देखो कैसे बैठा है मेरा छोना लल्ला। बच्चों का नीचे पहला खिलाया, उसके बाद हम लोग ऊपर आए, क्योंकि दानिश ने चिकन वहीं से लेकर रखा था, कि क्या बोलूँ ऊपर जाने का ना फिर नीचे आने का, तो इसलिए हम जब भी ज़्यादातर बाहर गए ना तो हम बाहर से दूसरा चिकन लेकर आ जाते, ताकि ऊपर नीचे बार बार ना हो, इसलिए अभी मैं दानू जी को पूछती हूँ कि इस बार का समय थोड़ा ज़्यादा टाइम रुकी ना, मतलब एक नाइट की ले गई ना, जैसे कल रात में गई और आज रात में चाहिए वैसा समझो है ना 10:30 बजे, तो कैसा लगा। अगर सच्ची बोलो, सच्ची बोलना है, अगर तेरे को मजा आई है हाँ। तुमको अच्छा लगा हाँ। तो मुझे तो मजा ही आई है, तो अच्छा लगा। नहीं अगर मेरी बात छोड़ के सिर्फ तुम्हारी बात करूँ कि घर में कैसा लगा, घर में अच्छा लगा, मेरे बगे नहीं तेरे बगे नहीं अच्छा लगा, तू फूल जाए वो देख के मेरे को अच्छा लगा, देखो मैं फ्रेश हूँ ना, क्योंकि सच में मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इशुदा के साथ चाहे वो यहाँ आए या मैं वहाँ जाओ, हम दोनों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम हर बात शेयर करते हैं ना, उससे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा बहुत कम नसीब वालों को नसीब होता है ना दानू, इतना अच्छा दोस्त कि हर बात शेयर करें, चाहे वो जो भी बात हो, हाँ जो भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, चाहे वो या चाहे मैं,
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान भी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ ताकि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो उन चीज़ों से जो चीज़ों से मैं परेशान थी। इसके लिए मेरा सिर्फ जाने का मतलब था और कुछ नहीं था, और सच में मुझे अच्छा लगा। और ज़्यादा टाइम के लिए भी इस बार मैंने नाइश को बोला था कि बार बार मुझे ना कॉल मत करो और परेशान मत करो, मतलब तो उस हिसाब से दानिश ने मुझे बिल्कुल नहीं उठाया, मतलब परेशान नहीं किया, ज़्यादा कॉल नहीं किए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप है ना एक चीज़ और देखी, नेट मेरा वहाँ इतना अच्छा चल रहा था विष्णुता के घर पे, जो इतना मतलब अच्छा यहाँ नहीं चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी मस्त मेरे रात में मेरे काम करके लिए, फिर आज का भी मेरा करके लिया, और मस्त मैं जैसे ट्रेन में बैठी, मेरा थंबनेल वगैरह मेरा सब बाकी था वो बनाया, और फिर मैंने वीडियो को पब्लिश कर डाला। तो एक ट्रेन का मेरा वो भी टाइम पास मेरा अच्छा हो रहा था कि मैं मेरे खुद के वीडियो के काम कर रही थी, तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब स्टेशन आया ना कब आए क्या। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अभी तो मुझे सबसे पहले चेंज करना है और बच्चों को खूब प्यार करना है, क्योंकि लल्ला वगैरह ना एकदम पीछे पीछे घूम रहा है कि मैं उनको घुमाऊँ, अभी उनके लाड़ करूँ, तो अभी मैं वही चेंज करूँगी और बच्चों को तीनों को खूब लाड़ करती पहले, और दानू को भी लाड़ करना है कि मुझे इतने अच्छे से जाने दिया, मेरी मर्जी का, मेरे जितना मतलब मेरे मर्जी से जितना मैं रुकना चाहती थी ना उतना मुझे रुकने दिया। तो इसके लिए दानू को भी लाड़ करनी है ना दानू। तो चल मेरे खुशी के लिए मुस्कान काफी है। तो चलो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज थोड़ा वीडियो के ऊपर ध्यान भी दो, लाइक किया करो, इतना वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा लाइक करो ताकि हमें भी अच्छा लगे, और मूड आए वीडियो बनाने के लिए। हालांकि मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ, जो थोड़ा सा टेंशन में थी उससे बाहर आ चुकी हूँ, तो वापस से मेरी कोशिश है कि मैं डेली वीडियो डालूँ। और हाँ, उस दिन ना मैं दो चार दिन की बात मैं बताना भूल गई, हालांकि मेरे उस टाइम वीडियो नहीं जा रहे थे, जो कि अभी मैंने देखा ना चार दिन वीडियो नहीं डाले। उस दिन दानिश को एक आदमी मिला था, दानिश को उसका नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि वो हमारे वीडियो देखते हैं और बहुत पसंद से देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो आपको बहुत 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 शुक्रिया, और अगली बार आपका नाम बताइएगा, दानिश को आपका नाम पता नहीं है, तो आप देख रहे हो तो मैं आप ही से बोल रही हूँ कि आपने खुद से दानिश को आके बोला था, और आपने ये भी ध्यान दिया कि मेरा वीडियो नहीं आया है करके, वो भी आपने बोला, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हाँ प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करो, आगे बढ़ाओ थोड़ा सा वीडियो, और सच में आपको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अगली बार आपका नाम जरूर बताइएगा, अगर आपका नाम पता रहता तो मैं यहाँ पे आपका नाम लेके आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, दानिश जैसे ही घर पे आए ना तो सबसे पहले उन्होंने आपकी बात बोली कि